और इसके बाद पूरे हफ्ते का जो वाकयात हैं हालात हैं वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। यसूसी जब पहली दफा आखिरी दफा यरूशलेम में दाखिल हुए तो अपने सलीब पर कुर्बान होने तक दफन होने तक जी उठने तक के सारे हालात और वाकयात हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इन सारे वाकयात में हमें बहुत सारे करैक्टर और किरदार मिलते हैं जिन पर बात हो सकती है और जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन यहाँ हम एक या दो किरदार की बात करेंगे। ये बता देना चाहता है साधकों को, ये समझा देना चाहता है कि जिस तरह खजूर का दरख्त पूरा साल मौसम खजा का असर को कबूल किए बगैर सरसब्ज और तरोताजा रहता है, तुम्हें ईमानदारों साधकों सरसब्ज और तरोताजा रहना है। हालात का कैसे हो, अब्लीस जिस तरह का मर्जी खजान का मौसम जारी कर दे, चौगिर्द तूफान पैदा कर दे, मुश्किलात और आजमाइश ले आए, दुख और तकलीफ ले आए, एक ईमानदार को जो खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा है उस पर असर नहीं आना चाहिए, बशर्ते के खुदा का कलाम उसके दिल में बसता है। इसलिए लिखा है खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत के साथ बसने दो, यही आपको सरसब्ज रखेगा, यही आपको ईमान में मजबूत करेगा, यही आपको खजा के असर से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, वो तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। सुनिए जी और से ताकि वाजिया करें कि खुदावंद रास्त है, ताकि वाजिया करें, इस जुमले को पीछे बोले, ताकि वाजिया करें कि खुदावंद रास्त है। इसका मतलब क्या है, ताकि साबित करें, ताकि सबूत दें अपनी तरह ताजगी को कायम रखते हुए खजान के असर को ना कबूल करते हुए फतावंद जिंदगी पसंद करते हुए वाजिया करें, साबित करें कि खुदावंद रास्ता है और उसका कलाम और उसके वादे और उसकी तरह ताजगी उसकी रास्तेबाजी हम में सब में बसी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं, वही मेरी चट्टान है और उसमें नाराजगी नहीं। खुदावंद साधकों की चट्टान है, साधक अगर वफादार है, तबेदार है, कलाम मुकद्दस को दिल में समोए हुए हैं, उस पर अमल करने वाला है, तो लिखा है वो उस अकलमंद आदमी की इबादत है
مي برسے گا مکان کو ٹکڑے لگے گی لیکن شرمندہ ہو کے واپس چلے جائے گی مکان نہیں گرے گا صادق قائم رہے گا کیونکہ صادق جو ہے لکھا ہے وہ خداوند کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے اور لکھا ہے جو پودا میرے آسمانی باپ نے لگایا ہے اس کو کوئی بھی اکھاڑ نہیں سکتا ہللویا جادو نہ لیں کلام کے لیے تعلی ہے بازی کے لیے نہیں ڈرنا نہیں ہے خوب بجایا کرو ابھی دیکھیں پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار بڑا اس کا ذکر ہے کھجوروں کی ڈالیوں کا بڑا ذکر ہے اور پام سنڈے کے سارے حالات اور واقعات میں اگر کھجوروں کی ڈالیاں نہیں تو ایک خلا ہے تو یہاں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں یہاں پر لکھا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا صادق کو ایماندار کو کھجور کے درخت سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے پرانے عہد میں بھی دیکھیں ہمیں کئی ایک واقعات ملتے ہیں جہاں پر فتح کے موقع پر کھجور کی ڈالیوں کو لہرایا جاتا تھا فتح کے لیے خوشی شادمانی کرتے ہوئے کھجور کی ڈالیوں کو لہرایا جاتا تھا اب خدا ایماندار کو صادق کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دے رہا ہے کیوں پہلی بات یہ ہے یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے غور کریں اس بات صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا سو یہ چودھویں آیت میں لکھا ہے وہ بڑھاپے میں بھی برآمد ہوں گے وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے وہ تر و تازہ